मैं दीक्षा सिंह परिहार, समाचार के संक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। इस बार नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह का विवादित बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्री माया सिंह वीडियो में वोटरों को प्रलोभन एवं चेतावनी देती नजर आ रही हैं। मंत्री जी ने सुमेर गांव में महिलाओं को फूल में वोट देने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने फूल पर वोट के बदले पक्के मकान का प्रलोभन भी दिया और पंजे को वोट देने पर चेतावनी दी है। इनको मालूम है अभी तक आपने वोट टाइम में दिया, वहाँ पंजाब में जा सकते हैं, अब नहीं देना है, अब आपका फूल में देना है और आपको पेंशन होगी 300 रुपए। जितनी भी हमारी बुजुर्ग हैं, विधवा बहनें हैं, 300 रुपए पेंशन है उसके, हैगी ना, देख लो। ये फूल वाले आपने गलती कर दी, अब गलती मत करना, जो अगर गलती करेंगे तो फिर कुछ नहीं पा पाएंगे, ठीक है ना। आपको पक्की कुटीर, पेंशन, सब सुविधाएं, गारंटी है। ये भाई साहब यादव फूल 24 तारीख, उसकी गारंटी है, सारी सुविधाएं। राजस्थान की तर्ज पर मीणा जाति को ST में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में महारैली आयोजित की गई। इसमें मीणा समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व NPP विधायक किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। सम्मेलन में यह मांग की गई कि राजस्थान और महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मीणा जाति को ST में आरक्षण मिले। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि वे इसके लिए केंद्र से बात करेंगे। सब प्यार से बुला रहे हैं और सब चाहते हैं कि आप आओ, तो आपने ठिकाना और हम चले आए। अपने मध्य प्रदेश की जनता की कैसे बेहतर सेवा उनसे हो सकती है, बड़ी विनम्रता से लगातार उसका प्रयास करता रहता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता था समाज का सम्मेलन है और हमारे सारे साथ, ये मीणा समाज हमारा ऐसा समाज है जो खून पसीने की खाता। राजधानी में जनता दल यूनाइटेड के बागी नेता शरद यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश के किसान और नदियों की हालत एक जैसी दिखाई दे रही है। यादव ने भावंतर योजना पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भावंतर योजना केवल किसानों के साथ एक छलावा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य दिया जाना चाहिए था। चोरों के पता नहीं क्या नाम रखे हुए, जो एडहॉक है। देश की हालत यह है कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हालत यह है कि जो सर्विस जो हिंदुस्तान के संविधान में सर्विस के लिए जो प्रोटेक्शन है, वो लेबर लॉज के लिए दुनिया के पूरे इतिहास में इतना कुर्बानी हुई है, उतना किसी चीज के लिए नहीं हुई। तब ये मजदूरों के कानून बने हैं, लेबर लॉज। फिर ये वंचित समाज के लिए संविधान में रिजर्वेशन है, आरक्षण। पूरे देश भर में राज्य सरकार हो, टीचर से लेकर के हर तरह के कर्मचारी से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सारे कानून को किस तरह से बाईपास किया जा सकता है, तो लगा दिया इन्होंने, क्या कर दिया, यानी यूरोप में उसको हायर एंड फायर चलता है। वो जरा जरा से देश है, उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया में ये हायर एंड फायर है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इतने बड़े पैमाने पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, यानी जो भी मजीठा कमेटी हो, चाहे वो प्रोटेक्शन हो जेल का,
क्या कहते हैं लेबर के लेबर लॉज का, चाहे वो रिजर्वेशन का, ये सबसे मुक्ति हो गई। ऐसा दौर आएगा ये देखा नहीं था कोई ने। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो किसी भी सेक्टर में वो तत्काल बंद होना चाहिए। यहां फैलवा रहे हैं, खुद कह रहे हैं वो यहां मोदी केयर हो गया है। ये एक तरह से सारे प्राइवेट, एक तो ये देश में हेल्थ सर्विस और एजुकेशन ये सरकार के हाथ में होना चाहिए, वो सब के सब प्राइवेट लोगों के हाथ में चले जाए। तो जो 50 करोड़ लोगों को कह रहे हैं, ये बड़े पैमाने पर इस पर लूट होने वाली है। नकली फर्जी लोगों को भर्ती करके लोग इंश्योरेंस दे, क्या हुआ किसान क्रेडिट कार्ड, क्या कहते हैं फसल बीमा का, यानी किसान के हाथ जो है वो एक चौथाई पैसा आया और दो तिहाई चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास। और बिहार में वहां की जनता ने बड़े पैमाने पर पुरुषार्थ करके महागठबंधन हमने बनाया, वहां भी 11 करोड़ लोगों से जो वादा था उसको छोड़ करके तोड़ करके जो वहां का मुख्यमंत्री उनके साथ के लोग राह बदल लिए। तो वो भी संविधान का जनता से किया हुआ वादा ही सबसे बड़ा ईमान होता है, उसे उन्होंने तोड़ा, भारत सरकार ने तोड़ा। और यहाँ की सरकार जो है ये जो भावांतर है ये होता है जैसे कोई ये एकदम किसान को लूट का रास्ता पकड़ा है, इसको तत्काल बंद करो। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुमने कानून बनाया उसके अनुसार मिनिमम सपोर्ट दो। अतिथि शिक्षक संघ ने शिवराज सरकार को अपनी मांगों को न मानने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार का प्रदर्शन और भी बड़ा किया जाएगा। इस बार हम खून के दिए जलाएंगे और हजारों की संख्या में मुंडन करवाएंगे। साथ ही कहा है कि अगर सरकार ने भोपाल में प्रदर्शन करने की जगह नहीं दी तो हम भोपाल की सड़कों पर डेरा डालो, घेरा डालो और नींद हराम करो आंदोलन करेंगे। क्योंकि ग्रामीण के डॉक्टर होते हैं वो पूरे अतिथि शिक्षकों का और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खून निकालेंगे और हम लोग खून के दिए जलाएंगे। इस बार भोपाल की सड़कों पे मैदानों में खून के दिए जलाने के हम लोगों ने कर लिया है और हम लोग इस बार वापस घर जाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, खून के दिए जलाएंगे। और हम लोग जेलों में जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। हम लोग पिछले 15 साल से अपनी मांगों को मान रहे हैं लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सिर्फ घोषणाएं दे रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे पास खून के दिए जलाने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम लोग इस बार भोपाल की सड़कों पे 24 और 25 को क्या है आपका आंदोलन है, जगह मिल पाई है नहीं मिल पाई? हम लगातार पिछले 15 दिन से शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं जगह के लिए लेकिन हमको कोई भी ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है। सब ग्राउंडों पे आपत्तियां लगाई जा रही हैं, अगर हमें नहीं दिया तो पूरे चारों दिशाओं से हजारों की तादाद में अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी, गौ सेवक, जन स्वास्थ्य रक्षक, मीटर वाचक आ रहे हैं और ये हमारी लड़ाई आर पार की होगी। अगर इन्होंने हमें नहीं दिया तो भोपाल की सड़कों पे डेरा डालो, घेरा डालो और नींद हराम आंदोलन होगा, ये हमारा निर्णय हो चुका है। डेरा डालो, घेरा डालो, हमारा नींद हराम आंदोलन होगा भोपाल की सड़कों पर अगर हमारे शासन प्रशासन ने हमें कोई स्थान नहीं दिया तो। और हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि इस बार हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे आज शिक्षा नहीं पा पा रहे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम लोग खून के दिए जलाएंगे इस बार भोपाल की सड़कों में और हजारों की तादाद में मुंडन होगा। आज भोपाल नगर निगम अतिक्रमण दस्ते और पुलिस छोला इलाके में हमला उस समय हो गया जब टैक्स जमा नहीं करने पर निगम कर्मचारी कुर्की करने गए थे। हमला बालमुकुंद जैन और उनके परिवार के सदस्यों ने किया। पिपरा थाना क्षेत्र के कंजर गिरोह ने गड़रिया समाज के डेरे को निशाना बनाया। गिरोह भेड़ बकरियों के साथ नकदी रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया था। रविवार को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रचार सामग्री, कैलेंडर और स्टिकर प्रदान कर शासन की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई। पार्टी की तरफ से 7 दिवसीय एक कार्यक्रम मिला था, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से नए साल का जो कैलेंडर आया है उसको हम लोगों को दे रहे हैं।
सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका सबको लाभ मिले, इसकी जानकारियां दे रही हैं। सरकार बहुत जनहितैषी कार्यक्रम कर रही है, कार्य कर रही है, सबको उसका मालूम पड़े, सब उसका लाभ ले, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं। मंदसौर में किसानों ने मनासा मार्ग पर चक्का जाम कर कृषि उपज मंडी में चल रही नीलामी रुकवाई। दरअसल प्रदर्शन हमालों और किसानों के बीच लहसुन फसल के तौल के विवाद से शुरू हुआ था। बुरहानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस शामिल हुई। राजगढ़ जिले के माचलपुर क्षेत्र में काफी समय से कालीसिंध नदी सहित अन्य स्थानों पर अवैध उत्खनन हो रहा था। इसको लेकर भगोरी में पिछले माह एक व्यक्ति की हत्या भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन व खनिज विभाग मूक दर्शक बना हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बड़ी कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर दबिश दी, जिसमें 21 ट्रैक्टर व 2 जेसीबी जब्त की गई तथा 14 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। कल एसपी साहब के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और उनके द्वारा हमारे जो एसडीओपी साहब हैं निशा रेड्डी मैडम, उनके निर्देशन में थाना प्रभारी भोजपुर, थाना प्रभारी खिंचीपुर, थाना प्रभारी जीरापुर, थाना प्रभारी माचलपुर दोनों की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और एक अवैध उत्खनन को लेकर सूचना प्राप्त हुई थी कि माचलपुर क्षेत्र में कोलखेड़ा गाँव में कालीसिंध नदी पर अवैध उत्खनन चल रहा है, तो वहाँ संयुक्त रूप से जाके दबिश दी गई। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड परिसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगाने के विरोध में था। परिषद द्वारा 3,74,000 रुपए से मूर्ति खरीदी गई थी, परंतु नगर पंचायत की लचर कार्य प्रणाली की वजह से अभी तक मूर्ति नहीं स्थापित की गई है। राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार जगदीश प्रजापति को ज्ञापन दिया और कहा कि 14 अप्रैल 2018 तक मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 6/3/2018 तक नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया तो समस्त दलित समाज उग्र आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदेश भर के वन कर्मचारियों ने रविवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। भोपाल के अंबेडकर मैदान में दिए गए धरने में वन विभाग के स्थायी कर्मियों से लेकर कई संवर्गों के कर्मचारी शामिल हुए। दरअसल ये कर्मचारी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज हैं। धरने के बाद एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, उसके बाद अनिश्चितकाल धरने पे जाएंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। प्रदेश के अंदर स्थायी कर्मचारी से लेकर के रेंजर तक हड़ताल पे रहेंगे हम लोग, और उसी बात को लेकर के हमने टोकन धरना डाला है। प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर शीघ्र निराकरण नहीं करती है तो आने वाले टाइम में हम आमरण अनशन से लेकर के धरना प्रदर्शन रैली सब करेंगे। हमारे स्थायी कर्मचारी जो कि बहुत छोटे वेतन पे शुरू हुए थे और 30-30 साल 40 साल तक उनको अनुकंपा नहीं दी गई। हमारे जो नाकेदार हैं उनका वेतनमान 2 तरह का बना के रखा हुआ है, वरिष्ठ रेंजरों का वेतनमान टीआई से कम करके रखा है। इस तरीके से प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, इस बात को लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं। समाचार के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।